पीएम किसान लाभ विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप अपात्र हैं और फिर भी योजना का लाभ ले रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। दरअसल सरकार द्वारा अपात्रों की लगातार अपात्र किए जा रहे हैं। 13वीं किस्त भेजने से पहले एक बार फिर से अपात्र किसानों की जांच शुरू की गई है। माना जा रहा है कि 13वीं किस्त किसानों के खाते में जनवरी के शुरुआती दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से आए दिशा निर्देश के मुताबिक यदि किसान द्वारा भू सत्यापन नहीं कराया जाता है तो उनकी राशि अगली किस्त की राशि रोक दी जाएगी। इससे पहले KYC करना अनिवार्य है। KYC नहीं होने पर किसानों के खाते में 13वीं किस्त की राशि नहीं भेजी जाएगी। 12वीं किस्त से पहले बड़ी संख्या में किसानों को अपात्र घोषित किया गया था। इससे पहले सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को KYC करना अनिवार्य कर दिया गया है। किसान अगर 13वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द KYC पूरा करना जरूरी है। इससे पहले पीएम किसान की 12वीं किस्त अक्टूबर 2022 में जारी की गई थी। पीएम मोदी द्वारा देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसे भेजे गए थे। 4 महीने के अंतराल का हिसाब लगाया जाए तो 13वीं किस्त की राशि जनवरी के आखिरी तक किसानों के खातों में 2000 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा।